क्लास सिक्स एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.6 एक्सरसाइज 7.6 इसमें देखिए प्यारे बच्चों करेक्शन वाले क्वेश्चन को एक करना है और सब्ट्रैक्ट करना है जो भी प्रक्रिया आपको करना है। देखिए एक्सरसाइज में 5-6 क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है उसको सब एक ही बेहतर है, इसलिए आप क्या करेंगे जैसे 12 क्वेश्चन दिया गया है 2/3 + 1/7 तो 3 और 7 का एलसीएम ले लो 21 हो गया। फिर इस दोनों को अगर गुणा बनाते हैं तो इसमें ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 × 7 + 1 × 3 दैट इज 14 + 3 अबाउट 21 17/21 ठीक है, इन प्रॉपर में है, इसमें कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर। फिर इसी का आपको बता रहा है कि इसका ए बी सी डी करके हर प्रत्येक क्वेश्चन दिया है, एक कॉम्बिनेशन के रूप में है, इसलिए आपको एक उसमें पार्ट के का जो है मैं आपको इंडिकेट कर दिया हूँ, बता दिया हूँ कि सेम सब क्वेश्चन ऐसे ही होगा 1 × 3 + 3 × 2/3। सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे 3 × 3 = 4/3, 3 × 9 = 11/3। फिर दोनों का देखिए इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, इसलिए हम सीधे इसको 4 + 11 कर देंगे तो 15/3 हो गया और 3 × 5 = 18 जो आपको इंटीजर 5 बता रहा है। सर जितने भी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के सब ऐसे ही करेंगे। अब देखो व्हाट प्रॉब्लम का उसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें देखिए सल्ताबाद 2/5 मीटर, ललताबाद 3/4 मीटर, टोटल लेंथ कितना हुआ इसको ऐड कर देना है 2/5 मीटर + 3/4 मीटर, तो फिर इसका एलसीएम 5/4 का लेकर 20 कर दो और 2 × 4 + 3 × 5 दैट इज 8 + 15 / 20 तो 23/20। जिसको आपको न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से कन्वर्ट कर दीजिए, कॉम्बिनेशन नंबर कॉम्बिनेशन 3/20। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, नैना वर्क कंडीशन 1/2 पीस ऑफ ए केक, नजमा का वर्क कंडीशन 1/3 पीस ऑफ ए केक, टोटल हो गया वर्क कंडीशन 1/2 + 1/3। फिर कॉम्बिनेशन को देखिए 3/2 + 4/3, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। फिर इसको बराबर करो 3 × 3 = 9 और + 4 × 2 = 8, 9 + 8/6 = 17/6। फिर इस इम्प्रॉपर को हम कॉम्बिनेशन के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे जो 2 × 5/6